सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2024 में होने वाली माता उन्मुखीकरण बैठक के अभिलेखीकरण के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बैठक के एक या दो दिन पूर्व एजेंडा लिखना होगा, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के सभी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि इस दिनांक को और इस दिन को आंगनवाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन अपराह्न 12 बजे किया जाना है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। बैठक का विषय होगा बच्चों के सीखने की निगरानी एवं अवलोकन मूल्यांकन की समझ। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नवत हैं। पहला बिंदु है सितंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा। दूसरा बिंदु है बच्चों के विभिन्न कार्यों में निगरानी एवं अवलोकन के महत्व पर चर्चा। तीसरा बिंदु है गतिविधियों की निगरानी व अवलोकन की आवश्यकता को और बेहतर समझने हेतु एक गतिविधि। चौथा बिंदु होगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के मूल्यांकन में अभिभावकों की भूमिका। पाँचवा एवं अंतिम बिंदु है घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। सूचना का माध्यम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं मोबाइल के संपर्क के द्वारा हम संपर्क कर सकते हैं। अब बैठक के दिन की कार्रवाई हम इस प्रकार लिखेंगे। पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार आज इस दिनांक और इस दिन को प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक का आयोजन अपराह्न 12 बजे किया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों की माताएं उपस्थित रहीं। बैठक की कार्रवाई इस प्रकार रही। सर्वप्रथम बैठक में माह सितंबर 2024 में की गई गतिविधियों एवं उनके क्रियान्वयन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा गतिविधियों को करवाने के दौरान माताओं के अनुभवों पर चर्चा की गई। दूसरे बिंदु के अंतर्गत 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी और अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये उनके विकास को सही दिशा प्रदान करने, उनकी रुचियों को समझने और उनके व्यवहार को सही तरीके से मार्गदर्शन देने में मदद करता है। इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। तीसरे बिंदु के अंतर्गत गतिविधियों की निगरानी एवं अवलोकन की आवश्यकता को और बेहतर समझने के लिए आज की इस बैठक में एक गतिविधि कराई गई, जिसका नाम है सब्जियों के साथ याददाश्त का खेल। गतिविधि के पश्चात माताओं से चर्चा की गई कि कैसे इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में कार्यों की निगरानी एवं अवलोकन की आवश्यकता की समझ को विकसित करने में मदद करती हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत चर्चा की गई कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होती है। बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है, जिसके समर्थन, प्रेरणा और सही मार्गदर्शन से बच्चा न केवल अधिगम उपलब्धियों की दक्षताओं में बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में भी सफल होता है। पांचवें बिंदु में बताया गया कि बैठक के पश्चात घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली निम्नलिखित 2 गतिविधियों पर चर्चा की गई कि इसे किस प्रकार खेला जाए, जिससे बच्चों में गतिविधि से संबंधित समझ या ज्ञान विकसित हो सके। वे गतिविधियाँ हैं, पहली गतिविधि है पिरोए रंगीन मोती बनाए पैटर्न, और दूसरी गतिविधि है कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। अंत में बैठक में उपस्थित सभी माताओं और अन्न को धन्यवाद ज्ञापित कर जलपान कराने के पश्चात आगामी माह की माता उन्मुखीकरण बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करते हुए आज की इस बैठक का समापन किया गया। अंत में हम सभी उपस्थित माताओं के यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। धन्यवाद।